और आप सब लोगों का स्वागत है मास्टर स्ट्रोक के जीएस प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और जितने भी कंपटीशन के स्टूडेंट्स हों सबके लिए है। तो चलो चलते हैं हम लोग हैं। और ये वो ऑप्शनल विषय है, इस ऑप्शनल का पार्ट बन सकते हो। ये क्लासेस इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। तो आज का चैप्टर हम लोग का है साउंड। देखो साउंड अगर हम लोग बात करने वाले तो साउंड क्या है, प्रकार का ये एक वेव है। साउंड क्या है, एक वेव है। वेव का मतलब क्या होता है, तरंग, ठीक है। साउंड क्या है, एक वेव है, एक तरंग है। और वेव की अगर हम बात करें तो वेव कहते किसको है, तरंग किसे कहते हैं। और देखो तरंग का मतलब हुआ एक प्रकार का जो वातावरण है उसमें जो विक्षोभ पैदा होता है, वातावरण में उत्पन्न हुए विक्षोभ को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। वातावरण में उत्पन्न हुए कंपन को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का डिस्टरबेंस होता है। वेव क्या है, एक डिस्टरबेंस है। क्या है, डिस्टरबेंस, ठीक है। अब यहां पे कहते कि इसके द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। किसके द्वारा, किसी भी वेव के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। तो याद रखना ये वो जो डिस्टरबेंस है जो ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। जैसे मान लो ये रस्सी, तुम कोई आदमी पकड़े हुए हो, यहां से कोई बच्चा इस रस्सी को एक तरफ से पकड़े हुए है, ठीक है। और ये यहां पे रस्सी किसी चीज से बंधा हुआ है, तो अगर आप हाथ को जर्क ऊपर नीचे यहां पे करोगे तो क्या होगा, आपने जर्क यहां पे किया, इस एरिया में जर्क आपने दिया, लेकिन माध्यम में जो कण था उसके कारण क्या हुआ, एक डिस्टर्बेंस जो पैदा हुआ, तो जो जर्क आपने यहां दिया था वो कुछ समय के बाद जर्क यहां महसूस होगा। और इस एंड पे अगर ये खंभा से नहीं बंधा हुआ हो और ये कोई दूसरा व्यक्ति पकड़ा हुआ हो तो उसे जोर का झटका लगेगा या चोट लगेगा। चूंकि वो जो चोट लगा या जो झटका लगा वो वास्तव में क्या था, वो एनर्जी ही तो था। इसलिए मैंने कहा था कि एनर्जी का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो प्रोपागेशन है वो क्या है, वो है वेव या तरंग। अब तरंग दो प्रकार का है, ठीक है। एक को हम बोलते हैं यहां पे यांत्रिक तरंग। एक क्या है, यांत्रिक तरंग। यांत्रिक का मतलब हो मैकेनिकल, इसका अर्थ क्या हुआ, मैकेनिकल तरंग। और दूसरा क्या है, विद्युत चुंबकीय। दूसरा क्या है, विद्युत चुंबकीय। मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, तरंग दो प्रकार का है, टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक है ये वेव का बारे में बात कर रहा हूं, एक है मैकेनिकल। और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हिंदी में इसे कहते हैं यांत्रिक, और ये हो गया विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय। अब जो यांत्रिक तरंग है ये वो तरंग है जिसे संचरण के लिए माध्यम का आवश्यकता होगा, मतलब जिसे संचरण के लिए माध्यम का आवश्यकता होगा वो कहलाते हैं। तो यहां माध्यम जो मीडियम है वो होना चाहिए, ठीक है। और ये वो तरंग है जिसे संचरण के लिए किसी भी माध्यम का आवश्यकता नहीं है, इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं है, याद रखना, इसे माध्यम नहीं चाहिए। तो उदाहरण क्या है इसके, तो देखो ध्वनि तरंग इसमें आ जाएगा, जो साउंड वेव है इसमें आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, साउंड वेव। और इसमें क्या आ जाएगा, लाइट वेव। इसमें क्या आएगा, लाइट वेव। तो प्रकाश तरंग लाइट वेव में आएगा, ध्वनि तरंग यहां पे आएगा। अब सवाल यह है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा, यहां पे
एक से पूछ लेगा किस तरंग को संचरण के लिए माध्यम का आवश्यकता पड़ता है, किस तरंग को संचरण के लिए माध्यम का आवश्यकता पड़ता है, तो याद रखना साउंड वेव को माध्यम का आवश्यकता पड़ता है और लाइट वेव को माध्यम का आवश्यकता नहीं पड़ता है। मतलब लाइट वेव निर्वात में भी आ जा सकता है जबकि साउंड वेव निर्वात में नहीं आ सकता है। तो जब आपको अंतरिक्ष में भेज दिया जाएगा तो क्या होगा, आप देख तो सकते हो लेकिन आप सुन नहीं सकते हो, देख तो सकते हो लेकिन क्या होगा, आप जब एक दूसरे से बात करने के समय जो बात करते हैं तो बिना किसी यंत्र के आप सुन नहीं सकते क्योंकि वहां पे मीडियम नहीं है। ठीक है, इसको याद रखें आप लोग। अब हम लोग देखेंगे यांत्रिक तरंग है बेसिकली, ये दो प्रकार का होता है, जो मैकेनिकल तरंग है, मैकेनिकल वेव्स हैं, ये दो प्रकार का है। एक है ये ट्रांसवर्स और एक है ये लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ, और ये है अनुदैर्ध्य। जो तरंग अनुप्रस्थ है, जो तरंग क्या है, अनुप्रस्थ है, याद रखना, ये इसका गमन देखोगे आप कैसे होगा कि इसमें हमने कहा कि जैसे मान लो यहां पे माध्यम का पार्टिकल्स है, जरा गौर से देखना, ये क्या माध्यम का अनुदैर्ध्य वाले की बात कर रहे हैं पहले हम लोग, कि यहां पे माध्यम का पार्टिकल है, तो माध्यम का पार्टिकल क्या होगा, इसमें टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, अगर ये पार्टिकल है तो ये आगे पीछे दुलन करेगा, आगे जाएगा फिर पीछे आ जाएगा, फिर ये आगे जाएगा और फिर पीछे आ जाएगा, फिर ये आगे जाएगा और फिर ये पीछे आ जाएगा, और इस प्रकार से ये कंपन करेगा, और नतीजा क्या होगा कि वेव का जो प्रोपागेशन है वो आगे की तरफ होगा, तरंग का जो दिशा होगा आगे की तरफ होगा। तो माध्यम का कण तरंग के दिशा में ही आगे पीछे गमन करेगा और तरंग का प्रवाह क्या होगा, आगे की तरफ होगा। ऐसे तरंग को हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और इसके एग्जाम्पल क्या है, साउंड वेव। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, साउंड वेव। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होगा, इसमें माध्यम का जो कण होता है वो अपने मध्य में बना रहता है, आगे पीछे दोलन करते हुए होता है। नतीजा क्या होता है कि तरंग के जो गति का दिशा होता है वो आगे की तरफ होता है यहां पे। तो ये आप लोगों को यहां पे याद रखना है। कहते अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है ये सभी प्रकार के माध्यम में गति कर सकता है। ठीक है, ये सभी प्रकार के माध्यम में गति कर सकता है, चाहे वो माध्यम जमीन हो या वो माध्यम कोई लोहा हो या वो माध्यम कोई कांच हो, लेकिन माध्यम होगा तो ये गति करेगा करेगा। जबकि जो यांत्रिक तरंग है इसमें क्या होगा, जो माध्यम का कण है, मान लो ये माध्यम का कण है, तो माध्यम का कण क्या होगा, ऊपर नीचे दुलन करेगा, ये ऊपर नीचे दुलन करेगा। तो तरंग का जो प्रवाह है, अगर मान लो ऐसे यहां पे देख रहे हो, ठीक है, तो माध्यम का जो कण है वो ऊपर नीचे दुलन करेगा और तरंग का प्रवाह क्या होगा, आगे की तरफ होगा यहां पे। मतलब हम ये ऐसे कह सकते हैं कि जिन तरंगों में माध्यम का कण तरंग के दिशा के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। मतलब तरंग का गति इस तरफ है और माध्यम का कण क्या है, ऊपर, तो ये 90 डिग्री हो गया। और अगर ये नीचे अगर मैं कहूं तो यहां पर नीचे अगर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री एंगल पर ये माध्यम का जो कण है ये भागता है, ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। और इस प्रकार से अनुप्रस्थ तरंग भी में माध्यम का कण परपेंडिकुलर होता है तरंग की गति की दिशा में, और जबकि यहां पे क्या है वो पैरेलल होता है तरंग की गति की दिशा में।
तो इन दो बातों को आप लोग यहाँ पे याद रखो। और इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल है लाइट वेव। लाइट वेव अभी अभी मैंने कहा था कि ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होगा, वाटर का वेव। जैसे वाटर वेव देख लो आप लोग, पानी के सतह पर उत्पन्न तरंग होता है, उसका देखोगे ऊपर नीचे ऐसे वो गमन करता है। तो आप कुछ भी गिराओ, पत्थर वगैरह पानी के ऊपर, और फिर वहां पे देखोगे जो तरंग पैदा होता है, तो उस तरंग का किस प्रकार का स्वरूप होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के विषय में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। देखो विद्युत चुंबकीय जो तरंग है, इसमें सवाल क्या पूछेगा, पहले तो हो गया कि ये तरंग होता कितना क्या है, तो इसे माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है। इन तरंगों को माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है, पहले बात तो एक याद रखो ये। दूसरा आप लोग को यहां पर याद रखना है कि इसमें एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो गामा रेज है, इसके एग्जाम्पल क्या है गामा रेज, इसके एग्जाम्पल क्या है एक्स रेज, इसके एग्जाम्पल क्या है यहां पे यूवी रेज, इसके एग्जाम्पल क्या है विजिबल रेज, इसके एग्जाम्पल क्या है तो इंफ्रारेड रेज IR, इसके एग्जाम्पल क्या है तो माइक्रोवेव। ये हो सकता है माइक्रोवेव यहां पे शॉर्ट भी हो या लॉन्ग भी हो, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट रेडियो वेव या लॉन्ग रेडियो वेव। माइक्रोवेव मतलब हुआ शॉर्ट रेडियो वेव और लॉन्ग रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव। तो याद रखो गामा रेज, एक्स रेज 2, अल्ट्रा वायलेट 3, विजिबल 4, इंफ्रारेड 5, शॉर्ट रेडियो वेव 6 और लॉन्ग रेडियो वेव 7। ये सातों के सात जो वेव हैं, ये है क्या, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कॉस्मिक रेज हैं, वो भी इसमें आ जाता है, कुछ कॉस्मिक रेज भी इसमें आ जाता है, वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबके सब विद्युत चुंबकीय है। अब सवाल तुमको यहीं से पूछता है कि भाई गामा रे का कहाँ पे यूज करते हैं, किसने खोज किया, एक्सरे का क्या यूज करते हैं, किसने खोज किया, यूवी का क्या करते हैं। इस प्रकार से सवाल यहाँ पे बनते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। चलते एक एक करके देखते हैं, पहले देखते हम लोग गामा रेज की बात करते हैं। ठीक है, गामा रेज आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, तो गामा रेज है ये। गामा रेज का खोज किया था हेनरी बेकरल ने, याद रखना नाम, हेनरी बेकरल, नाम सुना है हेनरी बेकुरल। ये हेनरी बेकरल थे, इन्होंने खोज किया था, और इन्होंने खोज जो किया किसका, गामा रेज का। इस तरंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है लंबाई, वो होता है 10^-14 से लेकर के, पूछता है अक्सर कि तरंग दैर्ध्य का अक्सर लंबाई कितना, तरंग का तरंग दैर्ध्य इसका सबसे ज्यादा होता है 10^-14 से लेकर के 10^-10 के बीच में। ठीक है, अब यहां पे सवाल देगा कि ये तरंग दैर्ध्य हैं, तो ऐसे तरंग का उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है। आवृत्ति को लेकर हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग तरंग दैर्ध्य देखेंगे यहां पे। देखो कई सारे उपयोग हैं, पहला उपयोग तो हो गया इसका वेधन क्षमता अधिक होता है, वेधन क्षमता अधिक होगा, वेधन क्षमता मतलब पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर ये क्या होगा, इसका काफी ज्यादा होगा, एक तो याद रख लो। दूसरा यहां पे इसका उपयोग हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो कहते हैं कि ऐसे समझो इसको कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, नाभिकीय अभिक्रिया, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में इसको यूज करते हैं हम लोग हैं। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी होता है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी हम लोग वहां पर इसका यूज करते हैं। तो ऐसे सवाल देगा कि इसका वेधन क्षमता अधिक होता है, तो इसका उपयोग क्या है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में इसका हम यूज करते हैं।
दूसरा है यहाँ पे एक्सरेज। एक्सरे से आप लोगों को याद आया होगा कि एक्सरे कराने जाते होंगे कभी कभी। एक्सरे का खोज किया था रॉन्टजन ने, रॉन्टजन ने किया था, ये याद रखना आप लोग। और एक्सरे का जो तरंग दैर्ध्य है वो था 10^-10 से लेकर के 10^-8 मीटर तक। इसका यूजेज क्या है, इसका यूजेज क्या है? एक तो हो गया कि भाई जो हड्डी टूटा हुआ है बोन का एक्सरे कराने में, बोन का एक्सरे में। एक्सरे का और क्या यूज है? तो हम लोग यहां पर याद रखना कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग आगे डिटेल में इसमें कि क्या है ये। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग एक्सरे का यूज करते हैं। एक्सरे का यूज करके हम लोग लेजर बनाते हैं, एक्सरे लेजर बनाते हैं, एक्सरे लेजर बनाते हैं। इसके अलावा एक्सरे का यूज हम लोग करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, क्या करते हैं कि नहीं करते हैं, ये भी सवाल कई बार आता है आप लोगों को। तो याद रखना कि चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं और उद्योग में भी करते हैं, तो इंडस्ट्रियल पर्पज से भी करते हैं हम लोग, तो उद्योग में हाल में लिख दे रहा हूं, उद्योग में। तो तीन ही बातें पूछेगा यहां पे कि एक्सरे है क्या, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरा इसका यूज कहां पे करते थे, चारों में से कहीं भी आप कर सकते हो। और तीसरा रॉन्टजन जो खोज किया था और इसका वेवलेंथ क्या होता है। तो ऐसे सवाल के लिए आप लोग तैयार रहिए। इसके बाद एक्सरे के बाद है यूवी रेज। यूवी रेज तो यूवी रेज इसका खोज किया था रीटर ने, रीटर। और रीटर की बात जब आती है तो फिर पहले देख लेते इसका वेवलेंथ क्या होता है। इसका वेवलेंथ होता है 10^-10 मीटर, सॉरी 10^-8 मीटर से लेकर के 10^-7 मीटर तक। 10^-8 से लेकर के 10^-7 मीटर तक, तो इसको याद रखो आप लोग। अब खोज करता तो हो गया, खोज कर किसने किया, यूजेस क्या है इसके हैं और एक्सरे का टाइप्स क्या है। तो एक्सरे का तीन टाइप्स हैं, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। ये हमारे पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, ये भी लौट जाता है लगभग लगभग, और ये हमारे पृथ्वी पर आता है, ये अर्थ पे आता है, ये पृथ्वी पर आता है। और अगर ये दोनों क्या खतरनाक होता है, यूवीसी और यूवीबी क्या होता है, काफी खतरनाक हो जाता है। तो वैसे में अल्ट्रा वायलेट किस लिए चाहिए भाई? ये तो पहला तो चाहिए हमें इसलिए कि इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब पहला जैसे मान लो बैक्टीरिया को मारना है, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, नष्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, किल द बैक्टीरिया। दूसरा यहां पर लिख सकते हो आप कि इसका उपयोग हम लोग करते हैं कई तरह के जांच पड़ताल करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए। और प्रकाश संश्लेषण में भी, प्रकाश संश्लेषण में भी, और विटामिन डी के निर्माण में भी, विटामिन डी के निर्माण में भी। तो ये वो रेज हैं जो हमें हेल्प करता है इन चारों में। विटामिन डी का निर्माण करते त्वचा से, और त्वचा से जब प्रकाश किरणें पड़ती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, तो हमारा त्वचा क्या होता है, विटामिन डी को। और विटामिन डी को हम बोलते हैं कि ये एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन के जैसा होता है, एक ऐसा विटामिन जो हार्मोन प्रकृति का होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा बॉडी इसे बनाता है, तो ये हार्मोन नेचर का होता है, क्योंकि हमारा बॉडी इसको बनाता है।